ये है वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी नालंदा, आप देख रहे हैं। आप पावापुरी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जैन मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देखिए हॉस्पिटल का ब्लॉक ए ओपीडी है। आप देख रहे हैं कि यह जल मंदिर श्री जैन स्वतांबर भंडार तीर्थ पावापुरी में आपका हार्दिक स्वागत है लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जल मंदिर पावापुरी बिहार का, यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है। यह पावन तीर्थ जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थांकन भगवान महावीर की निर्माण स्थली है। 72 वर्ष की आयु में 527 वर्ष ईसा पूर्व कार्तिक वधि अमावस्या के दिन इन्होंने इसी स्थल पर महानिर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्मावलंबी इस दिवस को श्रद्धापूर्वक दीपावली के रूप में मनाते हैं। ये वाला ले लो, इसमें वही वाला है इंग्लिश में ही ये। आप देखिए जल मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए पूरा तालाब है, यहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जैन धर्मावलंबियों के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। पूरा इसे घुमा दीजिए ना, यहाँ सुना तक पूरा आ जाएगा चारों तरफ। आप नालंदा जब भी आएं तो ये जैन मंदिर जो है, ये जल मंदिर आप ज़रूर देखें। देखिए क्या भव्य नज़ारा है यहाँ, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ तालाब है। ये तालाब में कमल दल जो हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए सैलानी भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हाँ तो ये जल मंदिर पावापुरी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आ चुके हैं। देखिए ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ जूते खोलकर अंदर जाना है। सब बढ़िया, हम गेट पर ही पूछ लिए थे कि उमा जी हैं या नहीं। पता लगता है हमारे साथ में हैं जल मंदिर के पुजारी जी हैं। हाँ, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं और सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? घूमने के लिए नहीं शब्द लगाइए, भगवान माने महावीर की निर्माण भूमि है और मंदिर मंदिर में घूमा नहीं जाता है। मंदिर मंदिर दर्शन का चीज होता है। हमेशा बिहार वासियों से यही कहेंगे कि किसी मंदिर में दर्शन का भाव लेकर के जाए। घूमने के लिए तो पार्क है, उधर बेली ब्रिज बनाए हुए हैं, घोड़ा कटोरा डैम है, पहाड़ पे है और सब कुछ है, लेकिन मंदिर का शब्द जब भी आए उसमें दर्शन शब्द लगाइए। दर्शन शब्द लगाया जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ये भगवान महावीर की निर्वाण भूमि है पावापुरी अग्नि संस्कार। धन्यवाद। ये मंदिर के अंदर का परिसर है, आप भी यहाँ दर्शन के लिए आए। देखिए हमारे साथ सुनील सर हैं
विशेष रूप से यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे, मंदिर के बारे में, मंदिर की क्या ये जो विशेषताएँ हैं। ये जो मंदिर है ये भगवान महावीर का, आप जानते हैं नालंदा जिला का ये पावापुरी स्थान, ये भगवान महावीर के लिए ही जाना जाता है। आप यहाँ अभी देख रहे हैं, इधर देखिए मंदिर के, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। और आप देख रहे हैं कि अंदर में एक लोक प्रज्वलित है जो भगवान महावीर के चरण के पास प्रतिदिन यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके द्वारा यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है और ये दीप हमेशा यहाँ जलते रहता है। अखंड ज्योति, अखंड ज्योति। आप इसके चारों तरफ देख लीजिए, कहीं भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद वास्तव में मन में एक बहुत ही सुकून का अनुभव होता है, शांति मिलती है और लगता है कि जब भी मनुष्य को थोड़ा सा भी किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, जब वो मन इधर उधर भटक रहा हो, जब मन में अशांति हो, मन में शांति ना हो, तो वैसे जगह पर बैठने से मन में बहुत ही शांति मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और यह जो स्थल है, ये जल मंदिर इसका नाम ही है। चारों तरफ आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए इधर तालाब, आप जिधर भी देखेंगे यह तालाब ठीक बीच में स्थित है और इसीलिए इसका नाम भी जल मंदिर रखा गया है। यहाँ मछलियों का बहुत ही बड़ा, अभी तो बहुत कम है, अदरवाइज आपको दिखाते, यहाँ का सबसे बड़ा है कि यहाँ के मछली को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई मार नहीं सकते हैं यहाँ के मछली को। अब चारों तरफ देख रहे हैं, ये कमल का फूल खिला हुआ है। कमल के बारे में आप जानते ही हैं कि ये कीचड़ में रहता है, लेकिन इसके ऊपर कीचड़ का एक दाना भी नहीं लगा हुआ रहता है। जितना कीचड़ होता है उसको पार करते हुए कमल का पत्ता, कमल का फूल ऊपर बढ़ते जाता है। इससे भी हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और जीवन में किसी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसे भयभीत नहीं होना है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है।